पुलिस भर्ती का इंतजार खत्म। 60,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख जारी। परीक्षा के पेपर में आने जाने की सुविधा रहेगी फ्री। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 23 से 31 अगस्त तक रहेगी परीक्षा। परीक्षा पारदर्शी बनाने को सीएम योगी के कड़े निर्देश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। यूपी पुलिस में 60,000 कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा द्वारा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से बताया गया है, पुलिस भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24 और 25 अगस्त एवं 30 अगस्त 2024 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार एक बड़ा मुद्दा बनी रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 50 लाख स्टूडेंटों की पुलिस भर्ती परीक्षा प्रभावित होने में यूपी में बीजेपी की एक बड़ी हार का वजह बनी थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए द्वारा से परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी कर ली है और ये परीक्षा 23, 24, 25 एवं 30 और 31 अगस्त को 2024 में की जाएगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये परीक्षा 6 माह के अंदर सुचित एवं पारदर्शिता के साथ उच्चतम मानकों की दृष्टि रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सुविधापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में ये कार्यक्रम घोषित किया गया है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 23, 24, 25 एवं 31 और 30 अगस्त को निर्धारित की गई है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे परीक्षा केंद्र तक फ्री आने जाने की सुविधा सरकार ने तय की है। जन्माष्टमी के त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। ये परीक्षा प्रतिदिन 2 पारियों में की जाएगी तथा प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकेंगे। इसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी 1 प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि इस साल फरवरी में आयोजित उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सिपाही भर्ती एग्जाम के बाद पेपर लीक का दावा किया गया था। बता दें कि छात्रों ने दावा किया था कि परीक्षा से पहले ही परीक्षा के बाद उनके मोबाइल पर पेपर आ गया था। पेपर के साथ ही आंसर शीट भी थी। इसको लेकर भी पुलिस भर्ती बोर्ड ने छात्रों से साक्ष्य मांगे थे। इसके बाद सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर को रद्द कर दिया। इस मामले में एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब फिलहाल में उत्तर प्रदेश में फिर द्वारा से पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। युवाओं में खुशी का माहौल है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है।